हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 77। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपकी जो आज की वर्कशीट है वो गांधी जी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। लेकिन आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर। और जो उनका जन्म दिवस है उसे हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये महात्मा गांधी जी के बचपन की फोटो है। अब हम देखते हैं गुजरात को इंडिया के मैप पर, और ये है इंडिया का मैप। और आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो ये है गुजरात, और गुजरात में ये जगह है पोरबंदर जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। द फुल नेम ऑफ गांधी जी इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ द नेशन, और उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद उत्तम चंद गांधी एंड हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। तो ये है गांधी जी के फादर, जिनका नाम था करमचंद उत्तम चंद गांधी, और ये है गांधी जी की मदर, जिनका नाम था पुतलीबाई। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबाई मकानजी कपाड़िया। गांधी जी की जो मैरिज थी वो कस्तूरबाई मकानजी कपाड़िया से हुई थी। ठीक है, लेटर शी वॉज नोन एज कस्तूरबा गांधी। और जब उनकी शादी महात्मा गांधी जी से हुई तो उन्हें किस नाम से जाना गया? कस्तूरबा गांधी के नाम से जाना गया। महात्मा गांधी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स विद हिज 2 वेपन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत था वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में था, और उस टाइम पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महात्मा गांधी के 2 वेपन्स कौन से थे, यानी कौन से हथियार थे उनके पास ऐसे। तो उनके हथियार थे ट्रुथ यानी सच्चाई एंड नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। तो बच्चों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों की कहावत तो सुनी ही होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये 3 बंदर हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पर है पहला बंदर, आप देख सकते हैं कि इसने अपने दोनों हाथों से अपनी जो आईज़ हैं उन्हें कवर किया हुआ है, और ये हमें बताता है सी नो ईवल यानी कि बुरा मत देखो। दूसरा बंदर, इसने अपने दोनों हाथों से अपने माउथ को यानी अपने मुंह को कवर किया हुआ है, और ये हमें बताता है स्पीक नो ईवल यानी बुरा मत बोलो। और ये है तीसरा बंदर, इसने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद किया हुआ है। ठीक है, और ये हमें बताता है हियर नो ईवल यानी कि बुरा मत सुनो। चरखा वॉज यूज्ड बाय गांधी जी एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड फ्रीडम। गांधी जी ने चरखे का प्रयोग किया था किसके प्रतीक के रूप में? सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता, और फ्रीडम यानी कि आज़ादी के प्रतीक के रूप में। गांधी जी का मानना था कि जो आधुनिक मशीनें हैं उनकी बजाय हमें घरेलू उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, और चरखा उस समय आम लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था। चरखे का प्रयोग सूत काटने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट में यहाँ पर लिखना है आपको अपना नेम, यहाँ पे लिखना है क्लास एंड सेक्शन, और यहाँ पे आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। महात्मा गांधी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एवरी ईयर। अब हम करते हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ 3 मंकीज ऑफ गांधी जी एंड राइट व्हाट दे टेल अस।
आपको गांधी जी के 3 मंकीज की पिक्चर बनानी है और आपको बताना है कि वो हमसे क्या कहते हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 प्रोमिसेस दैट यू कैन गिव टू महात्मा गांधी ऑन हिज बर्थडे। तो आपको यहाँ पे कोई 3 प्रोमिसेस लिखने हैं जो आप महात्मा गांधी को दे सकते हैं उनके बर्थडे पे। तो ये आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है और मेरा जो आंसर है वो है, आई विल कीप माई सराउंडिंग क्लीन। मैं अपने आसपास और चारों तरफ की जो जगह है उसको हमेशा साफ रखूंगी, क्योंकि महात्मा गांधी को भी स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद थी। सेकंड प्रॉमिस है, आई विल हेल्प नीडी पर्सन, और मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगी। और थर्ड प्रॉमिस है, आई विल फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, और मैं भी नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का जो रास्ता है उसको फॉलो करूंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने प्रोमिसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई एंड मेक द चरखा और ग्लासेस ऑफ गांधी जी विद मटेरियल अवेलेबल एट योर होम। तो आपको क्या करना है, गांधी जी का चरखा और उनके ग्लासेस यानी कि उनके चश्मे को बनाना है, और किससे बनाना है, जो भी सामान आपके घर पर अवेलेबल है उसी सामान से आपको ये बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द रियल नेम ऑफ महात्मा गांधी। आपको महात्मा गांधी का रियल नेम बताना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वन मोर ग्रेट इंडियन लीडर, फाइंड आउट अबाउट हिम एंड राइट हिज नेम। तो आज एक और ग्रेट इंडियन लीडर की बर्थ एनिवर्सरी है, आपको पता लगाना है कि वो कौन है और उनका नाम लिखना है। तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के 2nd प्राइम मिनिस्टर थे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी वॉन्टेड अस टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। टुडे यू ऑल मस्ट क्लीन सम प्लेस इन योर हाउस एंड सेंड योर फोटो टू योर टीचर। तो गांधी जी चाहते थे कि हम अपने सराउंडिंग यानी हम अपने आसपास की जगहों को साफ रखें, और आज आपको अपने घर में किसी ना किसी जगह को साफ ज़रूर करना चाहिए। तो आप ऐसा करिए और ऐसा करते हुए अपनी एक फ़ोटो अपने टीचर को ज़रूर भेजिएगा। और इसी के साथ हमारी जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।